में आज मैंने बाजरे की रोटी और क्या है काकड़ या टीन सी फली, हाँ इसकी सब्जी बनाई थी नानी ने। भाई साहब चूर के खाने में जो मजा आया ना मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो देयर, दिस इज बात खत्री यार। एंड सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, एंड दूसरी बात वेलकम टू माय व्लॉग। आज गुड आफ्टरनून इसलिए बोला क्योंकि 12 आज बज चुके हैं और मैं ये व्लॉग 12:15 पर स्टार्ट कर रही हूँ। समझ रहे हो ना, मैंने करीब 9:30 बजे नाश्ता किया था, उसके बाद में मैंने 11:30 बजे खाना खाया था। ठीक है, नाश्ते में मैंने केला लिया था और खाने में आज मैंने बाजरे की रोटी और क्या है काकड़ या टीन सी फली, हाँ इसकी सब्जी बनाई थी नानी ने, मेरे लिए बिना नमक की बनाई थी। और बाजरे की रोटी भाई साहब चूर के खाने में जो मजा आया ना मुझे। आज मतलब यूँ फील हो गया कि बिना नमक के बिना मतलब बहुत कुछ बनता है और आप अच्छे से अपना खाना एंजॉय कर सकते हो। भाई मजा आया, मतलब भाई मजा आ गया। 2 बाजरे की रोटी खाई थी मैंने चूर के दोनों, भाई साहब दही के साथ में सब्जी के साथ में क्या टेस्ट है ना, मतलब एक्सप्रेस वाली फीलिंग नहीं है उसके। अरे कहना क्या चाहते हो? खीरा लिया था और है ना मैंने चने लिए थे और दही तो तुमको पता है एज यूजुअल मैं लेती ही हूँ। मतलब आज के खाने में को मजा बहुत आया, मतलब चूर के खाने में यार क्या जो मजा होता है ना, वो मतलब वो एक्सप्रेस करने के लायक नहीं, तो वो वाली बात है। तो जो जरूर है ना कभी मतलब काकड़ी की सब्जी और बाजरे की रोटी अगर तुम्हारे घर पे बनती है ना, स्पेशली मतलब राजस्थान में ना ये मशहूर है, तो यार मैंने तो मतलब कुल मिला के ना, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। मैंने पूरे श्रावण मास पहली बार ही खाई थी बाजरे की रोटी एंड मुझे तो बहुत मजा आया कुल मिला के। ये बात है, वाह क्या सीन है। बाकी ठीक है, फिर देखते हैं अब क्या करना है। तो यार अभी बजे दोपहर के मतलब शाम के 4, दोपहर के 4 जो भी तुम कहो। अभी मैं पी रही हूँ बनाना शेक, इसमें चीनी वगैरह नहीं है, वो तुम्हें पता ही, बताने की जरूरत नहीं, मैं पीती नहीं हूँ। और यार अभी नानी जो है ना वो टीवी देख रही है, एक मिनट रुको बताती हूँ तुम्हें, और खाना खा रही है, मतलब खाना इन द सेंस कि वो बाजरे की रोटी और बनाई थी ना तो वो खा रही है नानी अभी, वो देखो बोल रही टीवी देख रही है खाना खा रही है। हाँ तो यार अभी बजे हैं करीब 6:30 या 6:45 हुए होंगे, ठीक है ना। और अभी मतलब मैंने 5:30 बजे तो तुम्हें पता ही है पीनट्स खाए थे, ठीक है ना। अभी मैं आई हूँ ऊपर एक्सरसाइज करने क्योंकि आज सुबह मैंने एक्सरसाइज लगाई नहीं थी, तो अभी मैं वर्कआउट करूँगी। और आज मैं ग्रो विद जो का वर्कआउट करूँगी, किक बॉक्सिंग वाला आधे घंटे का, ठीक है। अब उसे मैं शेयर तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसी फ़ोन से देख कर करूँगी और इसी से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। फिर मैं अब तुमसे मिलूँगी वर्कआउट के बाद में, ठीक है। यार तो आज मैं वर्कआउट लगाऊंगी मेरी सिस्टर के साथ में, और ये वही है जो मैं तुम्हें बोल रही थी ना सुबह सो रही थी उस दिन, इसी की बहन थी खुशी, इसका नाम तो है हर्षिता, इसकी बहन का नाम है खुशी, जो उस दिन मेरे साथ वर्कआउट कर रही थी। आज ये कह रही कि शाम को, सुबह इसको उठने में दिक्कत होती है, पसीड़ों की तरह सोते रहते हैं, अभी शाम को तो इसने कहा ये लगा लेगी, तो हम दोनों अभी साथ में लगाएंगे आज, ठीक है। बाकी वर्कआउट का खाली वीडियो ना मैंने एक्चुअल में बना दिया क्योंकि इसने मेरा बना दिया था तो मैंने डाल दिया है अभी तक, ठीक है। मतलब हमने कर लिया है एक्चुअल में वर्कआउट, ठीक है ना। ठीक है तो फिर मिलती हूँ तुमसे बाद में अब। तो ठीक है यार फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। होप कि तुम लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और इस ब्लॉग में बोली गई सारी बातों से तुम लोग सेटिस्फाइड हो गए। मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।